नीतीश आचार्य जी, मई का महीना शुरू हो चुका है और सोमवार से यानी कल से मई की नए सप्ताह की शुरुआत होने वाली है। हर सप्ताह में राशि पर अलग अलग प्रभाव जरूर पड़ता है, तो यह सप्ताह 12 राशियों वालों के लिए कैसा रहने वाला है? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। मई माह का पहला सप्ताह जो है यह प्रारंभ होने ही वाला है। इसमें मेष राशि वाले का यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। रोजी रोजगार कैरियर में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। वृषभ राशि वालों का यह सप्ताह मिला जुला रहेगा और खर्च के कारण मन खिन्न हो सकता है, इसलिए खर्च पर काबू रखें, कंट्रोल रखें। मिथुन राशि वाले का रुका हुआ कर्ज पूरा होगा। यह सप्ताह खुश भरा रहेगा। यह सप्ताह आपका सब कार्य अच्छा होगा। जितना भी रुका हुआ कार्य है इस सप्ताह में पूरा होने का चांस है। कर्क राशि वालों का यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है, सकारात्मक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी आपके कार्यकलाप के द्वारा। सिंह राशि वालों का यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, इसलिए किसी के ऊपर विश्वास करना आपके लिए हानि हो सकता है। कन्या राशि वालों का यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा। पढ़ाई में रुचि होगी और आपकी तरक्की भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। तुला राशि वालों का यह सप्ताह बेहद अच्छा रहने वाला है। सभी सोचा हुआ कार्य पूरा होगा, खुशखबरी मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों का मिला जुला रहने वाला है। किसी के बहकावे में न आए, नहीं तो हानि का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सोच समझ करके कोई काम करें। धनु राशि वालों का यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको मन चाहा फल के लिए परिश्रम ज़्यादा करना पड़ सकता है। आप यदि कड़ी परिश्रम कड़ा मेहनत करते हैं तो आपको फल अच्छा मिलेगा। मकर राशि वालों का कैरियर कारोबार में अनुकूल परिणाम देने वाला है। आपका यह सप्ताह मकर राशि वाले के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों का यह सप्ताह अच्छा नहीं रहेगा। यह सप्ताह आपका नकारात्मक भरा रहेगा। चोट चपेट की संभावना रहेगी और तबीयत भी बिगड़ सकता है। मीन राशि वाले का यह सप्ताह आध्यात्मिक कार्यों में रुचि होगी। आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, कोई धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और कोई शुभ समाचार भी आपको यह सप्ताह में मिल सकता है।